आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। अभी तक हमने जितने भी रिसोर्सेज पढ़ाई करे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जैसे कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, इंडोर, आउटडोर, या स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, जितने भी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों हम उनको यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहली जो बात है कि हमें जो टीचिंग मटेरियल को यूज़ करना होता है या जिनको बारे में आज अभी तक हमने पढ़ा है, वो सारे क्या थे, थोड़ा सा उन पर रिविजन मारते हैं। हमने सबसे पहले जो पढ़े थे वो थे हमारे टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसमें हमने ऑडियो भी पढ़ा, जिसमें हमने वीडियो भी पढ़ा, और साथ में हमने दोनों को मिला करके, मीन्स वीडियो मीन्स क्या मैंने आपको बताऊँ, विजुअल एड्स यानी कि टीचिंग मटेरियल के बारे में बताया है। इनका जिक्र कहीं ना कहीं हम फर्स्ट ईयर में भी करते हैं, क्योंकि हमें टीचिंग जब हम करने जाते हैं बच्चों के साथ में, या जो हम लेसन्स बना करके लेके जाते हैं, उनमें हमें मॉडल्स, चार्ट्स या बोर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वह वाइट बोर्ड हो या प्लानर बोर्ड हो या रोलिंग बोर्ड हो, सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह चॉक या फिर एक मार्कर या डस्टर ही क्यों ना हो, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें अंतर देखना होता है एक साइंस का टीचर होने के नाते, कि इनमें से मेरे लिए टीचिंग मटेरियल कौन सा है, आई मीन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कौन से हैं। इन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंतर्गत जब हमें क्लासिफिकेशन पता चलता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं अगर होट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ साइंस के अंदर, या समझ लीजिए मैं फिजिक्स के अंदर किसी सर्किट को समझाने जा रही हूँ, या केमिस्ट्री के अंदर मैं कोई केमिकल रिएक्शन बताने जा रही हूँ, या फिर मैं मैथ्स के अंदर एलजेब्रा पढ़ाने जा रही हूँ, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे उनके अंदर या मेरे जो टॉपिक्स हैं उनके साथ में मुझे बच्चों के अंदर किन किन स्किल्स को डेवलप करना है। आपका एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर होने के नाते कभी भी ये मोटिव मत रखना, ये लक्ष्य मत रखना कि आज मेरे को मेरा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करके आना है और बच्चों को याद करवाना है। बच्चा फूटे बच्चे के बच्चा याद करे ना करे, इन थॉट्स को कभी भी आपको दिमाग में नहीं लाना है। हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बीएड में इसीलिए पढ़ाते हैं, इसीलिए करिकुलम में ऐड किया गया है, ताकि एक टीचर को अपने उद्देश्यों के बारे में पता हो, उसे पता हो कि मैं कौन से टॉपिक के साथ में बच्चों के अंदर किन किन स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ, और उन्हीं स्किल्स को लेकर के बच्चा आगे बढ़े, अपना फ्यूचर देखे, वो उस चीज़ को अपने जो दिनचर्या के जितने भी काम हैं उनसे जोड़ करके आगे चले। जब तक बच्चे को उन्हीं सब चीज़ों को आप दिनचर्या से जोड़ करके नहीं चलेंगे, उसकी खुद की लाइफ से ऐड करके नहीं चलेंगे, बच्चा कभी भी आपके टॉपिक में, आपके प्रकरण में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और जब तक बच्चा आपके टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप मानकर चलिए कि बच्चा उसका ज्ञान कभी भी लेना नहीं चाहेगा, वो हमेशा उससे कतराएगा। मैथ्स में आपको पता है सबसे बड़ी कमी यही होती है टीचर की, कि टीचर उन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कभी भी बच्चे की डेली लाइफ से जोड़ करके नहीं चलता, चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, चाहे वो ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, चाहे वो एलजेब्रा पढ़ा रहा हो, वो कभी भी उसको उन डेली लाइफ से जोड़ करके नहीं चलता। बच्चे को क्यों प्लस माइनस बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से उसको याद हो जाते हैं, उसको करना आ जाता है, क्यों वो उनमें इंटरेस्ट लेता है, क्यों वो एलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री को एक भार समझ के लेता है, कभी भी आपने ये नहीं सोचा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो टीचिंग मटेरियल मैथ्स में, हम इतना टीचिंग मटेरियल्स को यूज़ नहीं करते हैं, प्लस माइनस को यूज़ करते वक्त सिर्फ दिमाग में क्या रखते हैं, बच्चों को डेली लाइफ से सिर्फ क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, मैं बच्चों को अगर डिवाइड करवाने जा रही हूँ या प्लस माइनस सिखाने जा रही हूँ या मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ, तो छोटे बच्चों को टीचर क्या सिखाएगा कि बेटा आप गए, आपने ट्रॉफी ली चार, उसमें से आपने दो दे दी छोटी वाली बहन को, एक दे दी आपने मम्मी को, तो बताइए आपके पास कितनी बची, वो झट से बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि हमने उसको कौन सा रिसोर्स यूज़ किया, एक एग्जांपल, एक ओरल मेथड हमने उसके लिए यूज़ किया, उस एग्जांपल को, उदाहरण को वो खुद अपने आप से जोड़ेगा, तब जाकर के वो काम होगा। हमने एग्जांपल्स यूज़ किया, लेकिन हमें दिमाग में ये नहीं था कि हमने रिसोर्सेज यूज़ किया, मीन्स हमने टीचिंग मटेरियल को यूज़ किया है। बाय लक हो जाता है और वो चीज़ वो उसको सडनली बच्चे को दिमाग में बैठ जाती है, मल्टीप्लाई याद हो जाता है कि आज हम अगर बेटा एक कर्टन लेकर आए हैं कि पूरा का पूरा कार्टून लेकर आए हैं सॉरी
कार्टून लेकर आए हैं, उसमें 12 जो है और बॉक्सेस हैं, तो बताइए कि अगर मैं 2 और कार्टून खरीदूं तो मेरे पास टोटल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? बच्चा झट से बता देगा, क्यों बता देगा, एक बार समझाइए बच्चे को, नेक्स्ट टर्म उसकी है वो खुद बताएगा। हमने कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ किया, हमने कौन सा रिसोर्सेज यूज़ किया, विद ओरल मेथड मींस विद द एग्जांपल्स, हमने उसे क्या कर दिया, हमने उस मटेरियल को, उस रिसोर्सेज को उसकी डेली लाइफ से ही जोड़ करके रख दिया। उसकी डेली लाइफ से जैसे ही आप उसकी प्रॉब्लम को ऐड कर देंगे, उसका सोल्यूशन झट से निकाल देगा। एक बार नहीं निकालेगा तो सेकेंड टाइम वो जरूर करेगा, क्यों, क्योंकि उसे वो चीज़ आ जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपने पढ़ा भी होगा, इसका क्या है कि मतलब कभी भी कोई बालक हो चाहे वो इंसान हो, किसी भी समस्या को झट से सॉल्व तभी कर पाएगा जब उसके साथ अनुभव जुड़ते चले जाएंगे, और जब बच्चा उन सब चीज़ों को अभ्यास के रूप में करेगा तब उसको अगली जो चीज़ होगी उसको बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा और कम समय में उसको सॉल्व करके रख भी देगा। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने यूज़ किया एग्जाम्पल और ओरल मेथड, हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज है वो है ऑडियो विजुअल एड्स, और साथ में अगर देखा जाए तो ऑडियो विजुअल एड, ये सारे क्या हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक मार्कर का या एक डस्टर का एग्जांपल दिया, क्यों दिया, अब मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरे लिए एक सिर्फ सहायक सामग्री है या फिर एक टीचिंग मटेरियल या रिसोर्स के रूप में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, ऑफकोर्स कर सकती हूँ, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन माई टॉपिक, मेरा प्रकरण क्या है। अगर मैं उसको मेरे प्रकरण से ऐड करके चल रही हूँ, अगर वाक्य में वो चीज़ मेरी उस चीज़ से जुड़ती हुई है, उसको जोड़ती हुई है, तो बच्चा उसको ऊपर ध्यान देगा, नहीं तो नहीं देगा। हम इसीलिए यूज़ करते हैं, कभी भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं आप सबसे पहले उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए क्वेश्चन मार्क लगाना। जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तब भी आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्या वो इसे पढ़ पाएंगे, क्या वो इसे समझ पाएंगे, क्या मैं उनको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करवा पाऊंगी। क्योंकि देखो सीखने और सिखाने की जितनी भी प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज का होता है। आज मैं टीच करवा रही हूँ, टीच करवा रही हूँ, बच्चे लर्न कर रहे हैं, तो ये एक जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मेरे रिसोर्सेज। मेरे रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों मैं उनको लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं सोच करके आई हूँ क्लास के अंदर कि मुझे मेरे उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है और बच्चों को अपना स्किल डेवलप करना है, उस चीज़ को सीखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं किससे जोड़ते हुए चलूँगी, मेरे टॉपिक से। मेरे टॉपिक में क्या कमी है, मैं खूब अच्छा समझा रही हूँ लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि बच्चा उस चीज़ को अपने आप से जोड़ करके, अपनी समस्याओं से जोड़ करके या अपने डेली रूटीन से जोड़ करके नहीं देख पा रहा है। तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, आपका इफेक्टिव टीचिंग मॉडल होना चाहिए। अगर आपका टीचिंग मॉडल इफेक्टिव है, आप 101% मान के चलिए विथ योर प्रेजेंटेशन कि वो चीज़ बच्चा समझेगा, वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। और लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आए उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है, उन्होंने मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए इन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को काम में लिया है। अब इसमें हमने खूब सारी चीज़ें पढ़ी, हमने इसमें ऑडियो विजुअल एड्स पढ़े, चाहे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर इनडोर आउटडोर पढ़ा, ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया भी पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में भी सोचा, वर्कशॉप्स जितने भी एडवेंचर्स थे, क्रिएशनल थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी, उनके बारे में देखा, ग्राउंड के अंदर जो गेम्स करवा सकते हैं उनके बारे में देखा। ये सब चीज़ें हम क्यों करवा रहे हैं, ओनली फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन योर चाइल्ड। हमारा बच्चा सीखना चाहिए, रट्टा नहीं मरवाना है, रट्टा ही मरवाना है तो आप किताब रख दीजिए, अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। क्या होना चाहिए, बच्चों को सामने किताब रखिए, टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ अगर आप किताब पर जोड़ देंगे तो वो सिर्फ रटने पर ही जोड़ देगा और वो चीज़ बालक का कभी भी डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा रोल यही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, कि बच्चे के अंदर हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे हैं इसकी अच्छाइयाँ, इसके इम्पोर्टेंस कि हमें क्यों यूज़ करना है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। हमने खूब पढ़ लिए भैया, चार्ट्स होता है, मॉडल्स होता है, प्लानर बोर्ड्स होता है, वीडियो एड्स में हमने पढ़ा, विजुअल एड्स के अंदर प्रोजेक्टर्स होते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होती है, रेडियो भी पढ़ा, सब चीज़ें देखी। क्यों यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस।
क्या है कि हमें सबसे पहले देखना है मौलिकता, हमें हमने आगे टॉपिक के अंदर प्रकरण में क्या चीज़ लानी है, एक मौलिकता लेकर आनी है ताकि वो हमारे टॉपिक को दूसरे चीज़ से अलग करें। बच्चे को अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ होनी चाहिए, फंडामेंटल नीड से जोड़ती हुई होनी चाहिए, अनवेक्षणशीलता, साइंस इसके बिना नहीं है। हमें सारी चीज़ों को इसलिए देखना है कि बालक लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से करके देखे, उसके अंदर एक जो डिस्कवरी वाली जो चीज़ है, एक रिसर्चर की जो सोच है वो हमें उसमें डेवलप करने वाली होनी चाहिए। रिसोर्सेज ऐसे देने चाहिए जिनमें हमें क्या होना चाहिए, एक रिसर्चर के रूप में बालक खुद करके सीखे, उसको समझे और अपने एक्सपीरियंस से उसमें क्रिएटिव चीज़ें डाले, यानी कि वो सृजनशील भी होना चाहिए। जब उसमें क्रिएटिव चीज़ बच्चा नहीं कर पाएगा तो एक चीज बार बार रिपीट हो जाएगी, जब रिपीट होगी तो मौलिकता वहीं खत्म हो जाएगी, और जब मौलिकता खत्म हो गई तो बच्चा उसमें कभी भी रिसर्च या डिस्कवरी करने नहीं पाएगा, रिसर्च नहीं कर पाएगा। यानी कि जब तक बच्चा खुद करके नहीं सीखेगा तब तक उसके दिमाग में वो चीज नहीं बैठी, और साइंस इसके बिना अधूरी है। जब तक बच्चा रिसर्चर के रूप में सोच रहा है तब तक वो साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक वो क्यों कब कैसे का आंसर ढूंढ पा रहा है तब तक वो साइंस से जुड़ पा रहा है, वरना वो साइंस से नहीं जुड़ पा रहा है। इट्स अ फैक्ट। अब देखिए, ज्ञात से अज्ञात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बालक का तभी दिमाग चलेगा कि हम उसके सामने कुछ पॉइंट्स को, मैथ्स के अंदर आपको एक बात बताऊं कि हमें ज्ञात होते हैं सारे फॉर्मूलाज याद होते हैं, ज्ञात है हमारे सामने कि केमिस्ट्री के अंदर कि हाँ ये रिएक्शन के अंदर ये फॉर्मूला होगा, हम ये चीज़ इसमें ऐड करेंगे तो कुछ और बनेगा, लेकिन हमें फॉर्मूला हमारे सामने है। अज्ञात क्या है? हमने करते हुए नहीं देखा। अज्ञात क्या है मैथ्स में कि हमारे पास फॉर्मूला तो है पर हमें उसे कैरी आउट कैसे करना है, उसका आंसर कैसे निकालना है, वो हमारे लिए अज्ञात है। यानी कि क्वेश्चंस तो खूब सारे हैं लेकिन आंसर्स हमें खुद सॉल्व करके निकालना है। तो मैथ्स के अंदर ज्ञात से अज्ञात बहुत जरूरी है। बच्चे के सामने आप फॉर्मूला रखिए लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर ही छोड़ दीजिए। मीन्स आपको उस बालक को फॉर्मूला दे करके फ्री छोड़ना है ताकि बच्चा उसमें उस चीज़ों को रखे और फिर खुद मेजरमेंट करके देखे। स्थूल से सूक्ष्म, सबको पता है कि कोई चीज़ हमें साइंस के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं या कोई चीज़ स्लाइड बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने स्थूल होती है, हम उसमें छोटी से छोटी चीज़ ढूंढ करके निकाल लेते हैं विद माइक्रोस्कोप। हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी नहीं पता होता है, हम बच्चों को उस सूक्ष्म जीवों के बारे में भी किस में बताते हैं उसकी एक एक चीज़ के बारे में। हमारे सामने बॉडी है, मीन्स इट्स स्थूल है हमारे सामने, मैक्रो है हमारे सामने, एक ऑब्जेक्ट मैक्रो है। हम साइंस में क्या बता रहे हैं बच्चों को, इस मैक्रो के अंदर 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 जा करके माइक्रो तक लेकर आते हैं। इट मीन्स कि आपके सामने बच्चे को क्या करना है, आपको बच्चे को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाना है, ये बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे रिसोर्सेज आपको सामने रखने हैं ताकि बालक उस बड़े से छोटे की तरफ खुद डिस्कवरी करके चल सके, एक रिसर्चर के रूप में, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जाहिर सी बात है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यार, और बच्चा खुद भी खुद चले जाएगा इन मेथड्स के द्वारा। ये इनकी खासियत है रिसोर्सेज की, और जैसे ही वो इन सब चीज़ों को करेगा तो ऑटोमेटिकली जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं बालक उन सब के द्वारा ज्ञान का अर्जन करेगा, और जैसे ही ज्ञान का अर्जन करेगा उसका बुद्धि जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई रैंग भी रहा है तब तक आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपके ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान, देखना, सुनना, सूंघना, ये सारी चीज़ें साइंस से रिलेट करती हुई ही चलती है। हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ मेरी क्या है? मेरी सोच, मेरी तर्क, मेरे विचार, मेरी रुचि, ये सारी चीज़ें मेरी मूल प्रवृत्तियों में आती हैं। इन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही मुझे बच्चे को जोड़ना है इन लर्निंग रिसोर्सेज के साथ में। अगर मैं मूल प्रवृत्तियों को लेकर के नहीं चलूँगी और सिर्फ मैंने जोर दिया कि मेरा टॉपिक कैसा है, मुझे सिर्फ रिसोर्सेज वो उठाने हैं, तो नहीं चलेगा। मुझे रिसोर्सेज कैसे चाहिए, इतनी सारे क्लासिफिकेशन में मुझे कौन सा टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज उठाना है कि बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ बालक नहीं, बालकों की रुचि के अनुसार,
उनके विचारों के अनुसार, उनके जो उनका इंटरेस्ट है, उनके दिमाग जो है, उनका तर्क जो है, उनके विचार कैसे हैं, उनकी हॉबीज कहाँ लेके जा रही है, उनकी आयु स्तर क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरे प्रकरण के द्वारा बालक को रिसोर्सेज से जोड़ना है, उनको ज्ञान का अवसर देना है। फिर स्वाभाविक रुचियों को वो बढ़ावा ऑटोमेटिक ही देना शुरू कर देगा। और ये होती भी इसीलिए है कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आपकी रुचियों को बढ़ावा देती है। बच्चे की रुचि किससे बढ़ रही है? जब वो अपनी रुचि के अनुसार पढ़ेगा तो एक से दूसरे के साथ जुड़ेगा, तीसरे के साथ, और जो उसकी स्वाभाविक रुचियां हैं वो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट से जुड़ती चली जाएगी और वो अपना भविष्य उसमें देखना शुरू करने लगता है। बिना रुचि के हम सब्जेक्ट की किताब भी नहीं खोलते, तो भविष्य में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको साइंस में जागरूकता लानी है बालकों की, अगर आपको भविष्य बच्चों का साइंस में बनाना है, अगर आपको बच्चों को उन्मुख करना है साइंस की ओर, तो सबसे अहम बात क्या है कि आपको बालक के अंदर स्वाभाविक रुचियों को बढ़ावा देना है, उनको बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करने हैं। तो आपको अपने टॉपिक को इस तरीके से बच्चे के सामने आकर्षक रूप और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करना है कि बालक उसमें रुचि लिए बिना रह ही ना सके। अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता ऑफकोर्स लेकर, क्योंकि आपका जो क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा, बालक उसमें न चाहते हुए भी रुचि लेगा, ऑफकोर्स लेगा, मैथ्स में भी लेगा। लेकिन आपके जो रिसोर्सेस आपने यूज़ किया, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो इस तरीके से प्रभावी होनी चाहिए कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी वो चीज़ इफेक्टिव लगे और उसको लर्न करे। अब जैसे मूल्यांकन है, रिसोर्सेस बालक का मूल्यांकन करने पर बहुत जोर देती है, क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, उच्च स्तर का भी होगा, निम्न स्तर का भी होगा, और निम्नतर से निम्नतर स्तर का भी बालक होता है, मीन्स मंदबुद्धि बालक। आपको इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि जो प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक है, मैं उनको उस रिसोर्सेज से पढ़ा सकती हूँ, उनका जो स्किल है वो डेवलप कर सकती हूँ, तो आप उन रिसोर्सेज को क्लास में उनके लिए यूज़ करेंगे। लेकिन आपको देखना सब इस तरीके से रिसोर्सेज को काम में लेना है ताकि वो जो न्यूनतर स्तर का जो बालक है वो भी उस चीज़ को सीख सके। तो मूल्यांकन में बेहद ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है मूल्यांकन में। सॉरी, प्रभावपूर्ण अधिगम होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तथ्य विचार सिद्धांत प्रक्रियाएं, ये चारों चीज़ें जो है आपके साइंस से रिलेट करती होनी चाहिए, क्योंकि साइंस के अंदर थ्योरीज होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, सेट थ्योरीज होती हैं, और तथ्य भी आपके सामने फैक्ट्स होते हैं, जो थॉट्स होंगे, जो विचार होंगे, वो बहुत ज़रूरी है निष्कर्ष निकालने के लिए। ये सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में इंक्लूड होनी चाहिए और होती भी है। तो साइंस में आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लर्निंग रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है। निरीक्षण शक्ति जो होती है वो बेहद ज़रूरी है, बालक के अंदर उन रिसोर्सेज को देखने की, ऑब्जर्व करने की, सुपरविजन करने की ताकत होनी चाहिए। और आप अगर नहीं हैं तो इन लर्निंग रिसोर्सेज के द्वारा हम बालकों के अंदर निरीक्षण शक्ति, सुपरविजन पावर को और साथ में ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ावा दे सकते हैं। जब तक इनमें बढ़ावा नहीं होगा, आप उन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को काम में ही मत लीजिए जिसमें बालक ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, खुद से कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो आपको टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने हैं। हर तरह के लर्निंग रिसोर्सेज आपके सामने होते हैं, अपना टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक के अनुसार कौन सा लर्निंग रिसोर्सेज आपके लिए बेटर रहेगा, एक वर्किंग मॉडल या चार्ट या बोर्ड या फिर उसका डायग्राम, या सिर्फ उसकी जो बुलेटिन बोर्ड्स पर हम पिक्चर्स लगाते हैं, या फिर वो, या फिर मिस्ट्रिप, या प्रोजेक्ट के द्वारा दिखाऊं तो, या कोई भी छोटी सी फिल्म, वो आपको देखना है। तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं उन पर ही हमारा जितना भी प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को काम में लेना है ताकि हम उसकी महत्ता, उसकी उपायदायता को बालकों तक पहुँचा सकें और हम भी समझ सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें यूज़ करनी होती है। इसके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं
वो उसके बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे कि इसमें जितने भी अभी तक में पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इसमें करना ही करना है कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की क्या उपाय देता है या इसके क्या महत्व है उस पर प्रकाश डालिए, और इसके बारे में आप बात करेंगे अगली कक्षा में। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी उपायता क्या होती है और कौन कौन से होते हैं। हैव अ नाइस डे।